सो व्हाट्स अप गाइस, कैसे रहे हो आप लोग? मस्त हो गए? आज की वीडियो में हम आपको सिखाने वाले कि आप कैसे DSLR को चलाना सीख सकते हो, वो भी 5 मिनट के अंदर। तो गाइस वीडियो को पूरा एंड तक देखो, हर एक चीज समझाने वाला हूँ। आप फोटो कैसे लोगे अपने कैमरे से, आप वीडियो कैसे बनाओगे, मतलब कि भाई साहब आपको एडवांस लेवल तक हम सिखाने वाले हैं इस वीडियो में कि DSLR आप कैसे चला सकते हो। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहो, एकदम फास्ट बताऊंगा हर एक चीज अच्छे से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन यार उससे पहले तुम्हारा भाई तुमसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता है कि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखना मत मिस करना। चलो अब आपको करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कैमरे के बारे में, ठीक है? कि जो बेसिक चीजें हैं वो मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इससे फोटो कैसे खींचना है, इससे वीडियो रिकॉर्ड कैसे होगी, ठीक है? सब कुछ बताने वाला हूँ, तो देखते रहो। सो गाइस यहाँ पे आपको एक व्हील दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से, ये व्हील, और यहाँ पे एक उसके बगल में एक पावर ऑन ऑफ का बटन। तो गाइस ये कैमरे का कोई भी मॉडल हो, लेकिन ये व्हील यहाँ की जगह जो यहाँ पे है, दूसरे मॉडलों में यहाँ पे हो सकता है, और ये जो स्विच ऑफ का तरीका है यहाँ की जगह कहीं और प्लेसमेंट हो सकता है इसका, जो ये कहीं और लगा होगा, लेकिन काम वही करेगा जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। सो गाइस यहाँ पे आपको मैं हर एक चीज अच्छे से समझा देता हूँ कि किसका क्या काम है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे पावर से, ठीक है? तो गाइस यहाँ पे आपको पावर की जगह पे 3 मोड दिख रहे हैं, ऑफ ऑन वीडियो, ठीक है? तो सबसे पहले इसको समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको 3 चीज दिख रही होगी, ऑफ ऑन जो है वो, और वीडियो का। तो गाइस जैसे ही आप इसको ऑन करोगे तो ये फोटो मोड पे हो जाएगा, और जैसे इसको थर्ड वाले पे करोगे ये वीडियो मोड पे हो जाएगा, ठीक है? अभी ऑफ है, जैसे मैं इसको ऑन पे करूंगा तो ये फोटो इससे आप खींच सकते हो, और लेकिन अगर आपको वीडियो बनानी है तो आप इसको जो है वो कुछ इस तरीके से तीसरे मोड पे कर सकते हो, ये वीडियो वाले पे, तो आपकी वीडियो बनना स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे साइड में आपको एक व्हील दिख रहा होगा, इस व्हील का काम क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस इस व्हील का काम है कि आप अपने कैमरे को कैसे चलाओगे, इससे आप जो है वो डिसाइड कर सकते हो, ठीक है? इससे आप ऑपरेट कर सकते हो। तो यहाँ पे 2-3 चीजें हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा। सो गाइस यहाँ पे मैनुअल है, तो मैनुअल का मतलब ये है कि जो आप कैमरा चलाओगे वो आप खुद डिसाइड करोगे, ठीक है? कैमरे को कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी, आपको क्या रखना है अपर्चर, क्या रखना है जो है ISO, क्या रखना है शटर स्पीड, सब आप करोगे, ठीक है? तो यहाँ पे मैनुअल इसी के काम में आता है कि आप कैमरे को अपने हिसाब से चलाओगे। आपको फिल्टर मिल जाएगा, ठीक है? मैनुअल मोड का मतलब मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे आपको फिल्टर मिल जाएगा। फिल्टर का मतलब है कि आप अपने फोटो वीडियो में फिल्टर लगा सकते हो, यूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जो मेन फैक्टर आता है वो है ये ऑटो मोड। तो यार मैनुअल तो मैंने आपको समझा दिया, ऑटो के बारे में मैं आपको बता दूं। ऑटो मोड का मतलब है गाइस आपका कैमरा खुद डिसाइड करेगा कि आपके फोटो में ब्राइटनेस क्या होगी, आपके फोटो में ब्लर क्या होगा, आपके फोटो कितना साफ कितनी साफ आएगी, मतलब जो भी क्लियरिटी व्लियरिटी का चक्कर है सब ये ऑटो मोड ही डिसाइड करेगा। अगर आप बिगनर हो तो आपने जब किसी से पूछा होगा कि भाई मुझे कैमरा चलाना है क्या करूं, मुझे मैनुअल मोड तो आता नहीं, तो वो बोलेगा कि भाई ऑटो पे चला ले, ठीक है? आपने बहुत जनों से सुना होगा ऑटो के बारे में, ठीक है? तो इसी का काम होता है, ऑटो मोड का काम यही होता है कि आपका कैमरा खुद डिसाइड करेगा कि आपकी वीडियो कैसे रहेगी, आपका जो है वो फोटो कैसे रहेगा, जो में कितना ब्राइटनेस रहेगा। इसका मतलब ये रहेगा कि अगर आप कोई भागने वाली चीज को, जैसे कि कोई स्पोर्ट्स वाली आपको मतलब कि फोटो खींचनी है, तो आप यहाँ से अपने शटर को मैनेज कर सकते हो कि आपका शटर क्या होना चाहिए। यहाँ पे आपको अगर स्पोर्ट्स वाली फोटोज लेनी है तो आप ये शटर से जो है शटर प्रायोरिटी से जो है वो मैनेज कर सकते हो, और यहाँ पे अगर आपको ब्लर का सिस्टम ज्यादा चाहिए या कम चाहिए तो यहाँ से आप अपर्चर प्रायोरिटी से सेट कर सकते हो। लेकिन आपको इन सब पे ध्यान नहीं देना, इनको मैंने इसलिए सब कुछ बता दिया आपको कि आपको हर चीज पता रहनी चाहिए, ठीक है? बाकी अपना अपने कैमरे में सिर्फ 2 चीजों का काम है, मैनुअल ऑटो, मैनुअल ऑटो, ठीक है? बाकी कुछ भी आपको नहीं चेंज करना है, ठीक है? तो सबसे पहले आप अगर बिगिनर हो तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको कुछ इस तरीके से व्हील को घुमाना है, ठीक है? और यहाँ पे ऑटो पे रहने देना है, ठीक है? हमेशा अगर आप नया कैमरा खरीद के लाए हो, कल ही खरीद के लाए हो, या फिर आप लाए हो या फिर लाने की सोच रहे हो, तो आपको ऑटो पे ही रख के चलाना है कम से कम 1 महीने तक, ठीक है? उसके बाद धीरे धीरे आप यहाँ पे मैनुअल पे शिफ्ट करो, ठीक है? पहले ऑटो पे आप चलाओ, अच्छी फोटो लो, अच्छा सब कुछ रखो, ठीक है? और यहाँ पे आपको सिंपल से लेंस में आपको दिख जाएगा ऑटो और मैनुअल फोकस, तो आपको ऑटो फोकस पे रखना है और बाकी आपको ऑटो से यहाँ से चलाना है, ठीक है? ऑटो करके, ठीक है? मैंने भी जब नया नया कैमरा लिया था तो मैंने भी ऑटो से चलाया था, बाकी आपको यहाँ पे जो है वो ऑटो पे चलाना है। और जब आप थोड़ा थोड़ा सीख जाओ तो आपको मैनुअल पे भी ट्राई करना होगा, ठीक है? क्योंकि मैनुअल सबसे ज्यादा ठीक रहता है। आप कहीं लो लाइट कंडीशन में गए तो आपका जो रिजल्ट होगा वो ज्यादा अच्छा नहीं आएगा ऑटो पे। बाकी अगर आप मैनुअल चलाना सीख जाते हो तो आप मैनुअल ज्यादा यूज करोगे, ठीक है? तो अभी मैं आपको मैनुअल चला के भी दिखाऊंगा और क्या कैसे सेट करके रखना है, कैसे सेट करोगे सब कुछ बताने वाला हूँ।
तो ये रहा व्हील का चक्कर। अब यहाँ पे आपको आईएसओ मिल जाता है और डिस्प्ले मिल जाता है। आईएसओ का मतलब है कि आप अपने जो है वो वीडियो में कितनी ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हो, लेंस कितना खुलेगा, ठीक है। तो आईएसओ का काम ये है और ये व्हील का काम कुछ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे साइड में आपको एक चीज और दिख जाता है, ये वाला बटन। तो भाई साहब इसको कहते हैं शटर बटन, ठीक है। इसको शटर बोलते हैं, इसको शटर बटन बोलते हैं। इसको प्रेस करने से ही फोटो खींचती है, ठीक है। जब आप इसको हल्का सा प्रेस करोगे तो फोकस करेगी, बाकी जब आप थोड़ा टाइटली इसको पुश करोगे तो फोटो खींच जाएगी। इसको कहते हैं शटर, ठीक है। तो शटर बटन को प्रेस करने से फोटो खींचती है, तो इसका काम ये है। अब यहाँ पे आपको ये ऊपर की तरफ लाइट दिख रही है, मतलब कि ये होल्डिंग का कुछ ऐसा दिख रहा है स्टील का। तो गाइस इसका काम ये होता है कि इस पे आप अपने जो है वो गोडेक्स की लाइट लगा सकते हो, इस पे अपना फ्लैश लगा सकते हो, ठीक है, या फिर माइक लगा सकते हो। तो इसका काम यही है, इस पे आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। साइड में आपको ये फ्लैश देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। तो फ्लैश को आपको ऑन करके कुछ इस तरीके से इससे फ्लैश यहाँ पे देख सकते हो, ये रहा फ्लैश हमारा। तो इससे आप जब शटर बटन प्रेस करोगे तो इससे लाइट निकलेगी और इससे फोटो आपकी क्लियर आएगी। अब ये हो गया। अब हमने आपको इसका व्हील का बता दिया, इसका बता दिया, इसका बता दिया, बाकी का। अब मेन जो हमारा है, जो वीडियो लवर है, ठीक है, जिसने जो वीडियो के लिए कैमरा परचेज किया है जिसने, अब उनकी बात है। तो गाइज यहाँ पे आपको एक बटन दिख जाएगा, ठीक है। इस बटन का काम होता है रिकॉर्डिंग करने का, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे ही आप इस बटन को प्रेस करोगे, ठीक है, आपकी रिकॉर्डिंग ऑन हो जाएगी। अब यहाँ पे जब आपको रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, तो ये जो व्हील दिख रहा है इसको थर्ड पॉइंट पे लेके जाना है, यहाँ पे वीडियो वाले मोड पे, और फिर उसके बाद यहाँ पे ये बटन दिख रहा है आपको, इस पे प्रेस करना है तो आपकी रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगी, फिर आपको इस पे प्रेस करना है तो आपकी रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। और यहाँ पे आपका मेन्यू दिख जाएगा कुछ इस तरीके से। इस मेन्यू का काम है कि आप अपने सेटिंग को कैसे एडजस्ट करोगे, और इन्फॉर्मेशन किसी भी चीज के बारे में अगर आपको नहीं पता है और आप भूल चुके हो तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। सबसे पहले हम करने के वाले हैं, सबसे पहले इसको ऑन करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से स्क्रीन को पकड़ना है और इस तरीके से खोल लेना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन खुल चुकी है। अब यहाँ से ये फ्लिप भी होती है, अगर आपका 200D है, मेरा कैमरा जो है वो 200D मार्क 2 वाला है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये फ्लिप भी होता है, तो आपको फ्लिप कर लेना है। अगर नहीं होता तो कोई बात नहीं है, ठीक है। और बाकी जो दूसरा मॉडल का कैमरा होता है उसमें कुछ इस तरीके से पहले से ही फिक्स होता है, तो आपको रोटेट करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से हम कैमरे को कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो, हमने ये प्रेस किया और ये मूव किया और यहाँ पे कैमरा ऑन, ठीक है। अब हमने मैनुअल मोड पे पहले से ही सेलेक्ट कर रखा है, आप देख सकते हो ये व्हाइट सा कुछ दिख रहा है, एरो उसके सामने ही है, तो यहाँ पे हमारा मैनुअल मोड आ जाता है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि आपको करना क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ दिख जाता है शटर, ठीक है, ठीक है। जैसे कोई दौड़ रहा है उसकी फोटो निकालना चाहते हो, तो आपको सिंपल से करना क्या है, शटर को हाई कर देना है। तो ये जो फोटो खींचेगा, जब आप शटर ये वाला प्रेस करोगे ना, तो एक साथ ज्यादा से ज्यादा फोटो क्लिक करेगा, ठीक है। और उसके बाद जो रिजल्ट निकाल के देगा रनिंग वाला, या फिर जो भी आप स्पोर्ट्स का फोटो लेना चाहते हो, तो वो काफी कमाल का निकाल के लेगा, ठीक है। अब आपको नीचे दिख जाता है फोकस का, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ये रहा। तो यहाँ पे आपको नीचे की तरफ दिख जाएगा एफ, एफ पॉइंट इसको बोलते हैं, इसको अपर्चर भी बोलते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था। तो भाई अपर्चर का काम ये होता है कि आप कितना ज्यादा अपने वीडियो में ब्लर रखना चाहते हो, बैकग्राउंड में ब्लर रखना चाहते हो। और मुझे पता है कि मोस्टली जो बंदे हैं वो कैमरा इसीलिए लेते हैं कि उनके बैकग्राउंड में ब्लर हो सके। तो गाइज मैं भी बहुत ही ज्यादा जो रखता हूँ अपने वीडियो में ब्लर, मुझे अच्छा लगता है। तो इसका काम यह है, तो इस एफ पॉइंट को जितना आप कम रखोगे, ठीक है, जितना आप कम रखोगे उतना ज्यादा आपके वीडियो में ब्लर होगा। इस एफ पॉइंट को आप जितना, मतलब कि जो भी अगर आप इसको आगे की तरफ रखोगे, जैसे कि यहाँ पे F22 तक है, तो इसमें थोड़ा सा भी ब्लर नहीं होगा, पूरा का पूरा पीछे का बैकग्राउंड दिखता रहेगा। लेकिन आप जितना इसको कम रखोगे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 1.8 तक है, आपके लेंस में हो सकता है 2.8 हो, 3.8 हो, तो जितना ये एफ पॉइंट कम रहेगा उतना ज्यादा ब्लर करेगा। अब आपको यहाँ पे ISO दिख जाएगा। ISO का काम ये होता है गाइस कि आप अपनी वीडियो के लेंस में कितना जो है वो मतलब कि लाइट डाल रहे हो, ठीक है, जो ये लेंस दिख रहा है, ठीक है, इसके अंदर आपकी कितनी लाइट आ रही है, यहाँ से आप जो है वो डिसाइड कर सकते हो। तो इसका काम, तो चलिए अब मैं आपको फोटो खींच के दिखाता हूँ, ठीक है। और हाँ, एक चीज और जाते जाते, सो गाइस यहाँ पे आपको ये वाला कुछ इस तरीके का दिख रहा होगा, तो जब आप इस पे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो जितनी भी फोटोज हैं वो सारी की सारी दिख जाएंगी, ठीक है, और जितनी भी वीडियोज हैं यहाँ पे दिख जाएंगी। साइड में आपको डिलीट का बटन दिख जाता है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, इरेज का, कैंसिल का। तो आप इरेज पे क्लिक करके यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हो। सो आपका काम ये है, यहाँ से आप अपने वीडियोस को देख सकते हो कि कौन सा वीडियो आपने कैसा शूट किया है, देख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप वीडियो यहाँ से फाइंड कर सकते हो। अब मैं आपको यहाँ पे फोटो खींच के दिखाऊंगा। गाइस यहाँ पे हम फोटो खींचने वाले, ये सामने वाले टहनी की, यहाँ पे आप देख सकते हो ये रहा टहनी, तो इसकी हम खींचने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने किया टहनी को ऐसे कुछ इस तरीके से फोकस। अगर फोकस नहीं हो रहा है आपके सब्जेक्ट पे, तो आपको सिंपल से इसको हल्का सा थोड़ा सा प्रेस करना है ये शटर स्पीड वाले को, बाकी आपका जब आप कुछ इस तरीके से प्रेस करोगे तो ये फोकस अपने आप हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। सो हमने फोकस हमारा कर लिया है कुछ इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, इस पत्ती को खींचेंगे, ठीक है। तो खींचने के लिए आपको करना क्या होगा, कुछ इस तरीके से हाथ लगाना है और ये जो शटर स्पीड है इसको आपको प्रेस करना है। तो यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ और हमारी फोटो खींचेगी।
सो कुछ इस तरीके से देख सकते हो, हमारी फोटो खींच चुकी है यहाँ पे आप देख सकते हो, तो कुछ इस तरीके से आप फोटो खींच सकते हो। अब हम आपको वीडियो बनाना सिखाएंगे कि आप वीडियो कैसे बनाओगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये व्हील दिख रहा है, आपको इस व्हील को वीडियो वाले मोड पे कर देना, और जैसे ही आप वीडियो वाले मोड पे करोगे हमारा वो वीडियो मोड पे आ चुका है। अब यहाँ पे आपको ये बटन दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से, इसको जैसे ही आप प्रेस करोगे यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा रिकॉर्डिंग जो है वो चालू हो चुका है और यहाँ पे सेकंड भी चलना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अब आपकी वीडियो बन रही है। ठीक है, अब आप जो बनाओगे वो इसमें रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। अब हमको रिकॉर्डिंग मान लो रोकना है, तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे प्रेस करना है, और कुछ इस तरीके से जैसे आप प्रेस करोगे देख सकते हो आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग हमारी बंद हो चुकी है। अब यहाँ पे आपको अपनी रिकॉर्डिंग जो आपने करी है वो देखना है, तो सिंपल से यहाँ पे आपको इस वाले बटन पे क्लिक करना है, गैलरी व्यूअर वाले पे। ठीक है, इस पे जैसे क्लिक करोगे आपकी वीडियो आ जाएगी। अब यहाँ पे जैसे प्ले करोगे आपकी वीडियो भी चलना स्टार्ट हो जाएगी, देख सकते हो आप। तो कैमरा मोड पे लाने के लिए इसको प्रेस करना है, और यहाँ पे आपका फिर से वीडियो रिकॉर्ड आप कर सकते हो। सो गाइज, कुछ इस तरीके से आप अपनी वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले इसको ऑफ करेंगे यहाँ से हम, कुछ इस तरीके से हमने ऑफ कर दिया, देख सकते हो आप। सो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से मैंने कैमरा लिया, और यहाँ पे आपको ऑन करना है कुछ इस तरीके से पहले वाले मोड पे। ठीक है, आप यहाँ पे ऑन करोगे, और उसके बाद आपको यहाँ पे जब क्लिक करना है, मान लो आपको डिस्प्ले नहीं दिखाना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप इस व्यूअर फाइंडर पे क्लिक करोगे, और जैसे ही आप देखोगे इसके अंदर आपको पूरा का पूरा सामने का जो भी व्यू रहेगा वो दिखेगा, और आपको सिंपल से कुछ इस तरीके से क्लिक करके ये शटर ब्रश को बटन को प्रेस करना है, और उस पर फोटो खींच जाएगी। अब यहाँ पे फोटो खींची हुई है, मैंने खींची है, अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ पे मैंने व्यू फाइंडर पे क्लिक किया, ये फोटो मैंने खींची है। जब आपको डिस्प्ले नहीं दिखाना हो तब इसके अंदर आप जाके जो है वो फोटो को खींच सकते हो। तो सारी चीजें मैंने ऑलमोस्ट कवर कर दी हैं, तो कुछ इस तरीके से आप जो है वो अपनी वीडियो को रिकॉर्ड या फोटो खींच सकते हो। तो बस यार, आई होप वो वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल पे फर्स्ट टाइम चलो सब्सक्राइब करो। यार तुम्हारे भाई का चैनल है, क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो, इस तरीके की वीडियो आती रहेगी, फाड़ फाड़ वीडियो लाता रहूंगा। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, कर दो यार, कर दो।